नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि Flipkart पर लॉन्च हो चुकी है Amazfit GTR 2। अभी फिलहाल उसका एल्यूमिनियम बॉडी वाला वेरिएंट अवेलेबल है और जैसे कि मैंने आपको पोस्ट के द्वारा भी शेयर किया था और आपको इस वीडियो में बता रहा हूं कि उसमें जो स्ट्रैप की इन्फॉर्मेशन है वो कंपनी ने गलत लिखी हुई है, Flipkart ने गलत लिखी हुई है। जो एल्यूमिनियम है उसके साथ आता है आपका सिलिकॉन स्ट्रैप, लेकिन Flipkart पे आपको लेदर स्ट्रैप लिखा मिलेगा। सिमिलरली जो स्टेनलेस स्टील वाला वेरिएंट है उसके साथ आता है आपका लेदर का स्ट्रैप, लेकिन Flipkart पे उसने सिलिकॉन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज ना होइए, इन्फॉर्मेशन थोड़ी गलत है। आप इमेजेस में भी जाके देख सकते हैं, इमेजेस सही लगी हुई है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो लिखी हुई है वो गलत है। मैंने Flipkart को ट्वीट करके भी ये बता दिया है कि आप अपनी इस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर दें, नहीं तो इससे आप ही का बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो आज हम इसका कंपैरिजन करने वाले हैं GTR 2 एंड GTS 2 दोनों का Oppo Watch 41mm वेरिएंट के साथ। तो Oppo Watch एक काफी अच्छी वॉच है, Google Wear ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है और Google Wear वाली वॉचेस को टक्कर देना बहुत ही मुश्किल काम है। तो आइए देखते हैं कि दोनों ये GTR और GTS 2 जो है कहाँ स्टैंड करती है Oppo Watch के आगे, आपके लिए कौन सी वॉच लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो से। मेरा नाम है महेश और स्वागत है आपका मेरे चैनल माई द टेकी पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मैं ऐसे धमाकेदार वीडियो आपके सामने लाता रहता हूँ। प्राइस रेंज की बात करते हैं दोस्तों, तो GTS 2 का एस्टिमेटेड प्राइस है 10,500 से 11,000 रुपये, जबकि GTR 2 का लॉन्च होगी है उसका प्राइस है स्पोर्ट्स का 12,999, क्लासिक है 13,499। ओप्पो वॉच 41mm है 14,990 रुपये की। कलर्स तीनों ही वॉचेस में 2 से 3 कलर अवेलेबल हैं। स्क्रीन साइज में सबसे बड़ा स्क्रीन हमको 1.65 का GTS 2 में देखने को मिलती है, उसके बाद ओप्पो 1.60। कंपैटिबिलिटी में तीनों ही वॉचेस एंड्रॉइड और iOS को सपोर्ट करती हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, तीनों में ही 3D कर्व स्क्रीन लगी हुई है, एमोलेड डिस्प्ले है। GTC एंड GTR में रेटिना डिस्प्ले मिल रहा है जिससे उसकी क्लैरिटी काफ़ी अच्छी हो रही है, प्लस ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है 450 निट्स की। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तीनों में ही है। स्क्रीन प्रोटेक्शन की बात करते हैं, तीनों में ही गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, लेकिन GTS एंड GTR में आपको एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग के साथ देखने को मिल रहा है जिससे आपकी आउटडोर विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है क्योंकि ग्लास पे फिंगरप्रिंट मैग्नेट्स नहीं होते। बॉडी टाइप में एल्यूमिनियम है GTS की, स्टेनलेस स्टील है ओप्पो की और GTR में दोनों ही मॉडल हैं एल्यूमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील। स्ट्रैप की बात करते हैं तो सिलिकॉन आपको GTS में देखने को मिल रहा है, सिलिकॉन प्लस लेदर आपको GTR में देखने को मिल रहा है और ओप्पो में आपको फ्लूरो रबर स्ट्रैप है। वेट सबसे लाइट वेट GTS 2 है 25 ग्राम्स, फिर है GTR 32.39 ग्राम्स, फिर है ओप्पो 46 ग्राम्स। नोटिफिकेशंस तीनों ही वॉचेस में आपको इनकमिंग कॉल, SMS, WhatsApp, Facebook एंड अदर ऐप्स के देखने को मिल जाएंगे। मोबाइल कंट्रोल्स की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेस में आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल रहा है और आप अपनी वॉच से ही म्यूजिक को प्ले भी कर सकते हैं। मेक और आंसर कॉल की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको तीनों में ही सपोर्ट देखने को मिलता है, आप कॉल को रिसीव भी कर सकते हैं और डायल भी कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन GTR एंड GTS में लेटेस्ट 5.0 लगा है लेकिन ओप्पो में थोड़ा पुराना 4.2। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो Amazfit के इनहाउस ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रही हैं दोनों GTS एंड GTR, वहीं Google Wear एंड्रॉइड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलता है ओप्पो में। प्रोसेसर भी Snapdragon का 3100 लेटेस्ट का प्रोसेसर लगा है 2.4 GHz का ओप्पो में, जबकि प्रोसेसर जो है स्पेसिफाई नहीं किया है, कोई इनहाउस प्रोसेसर यूज़ कर रहा है Amazfit। वाईफाई का सपोर्ट तीनों ही वॉचेस में जो काफ़ी अच्छी बात है। प्रीसेट क्विक रिप्लाइज तीनों ने ही स्पेसिफाई नहीं किए हैं। रैम जो है Amazfit ने स्पेसिफाई नहीं किया, वहीं पे ओप्पो में 1 GB रैम है। इंटरनल मेमोरी भी 4 GB हमें देखने को मिलती है GTS एंड GTR में, वहीं पे 8 GB हमें देखने को मिलती है ओप्पो में। चार्जिंग मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट हमें देखने को मिलता है Amazfit की दोनों वॉचेज में, वहीं पे वूक फ्लैश चार्जिंग सपोर्ट हमें मिल रहा है 46% 15 मिनट में और 100% सिर्फ 75 मिनट्स में ओप्पो की वॉच चार्ज हो जाती है। बैटरी की बात करते हैं तो 246 mAh की छोटी बैटरी हमें GTS 2 में देखने को मिलती है, 471 की सबसे बड़ी बैटरी है GTR में और 300 mAh की छोटी बैटरी हमें ओप्पो में देखने को मिलती है। बिल्ट इन GPS की बात करते हैं तो तीनों ही वॉचेज़ में हमको ड्यूअल GPS सपोर्ट मिल रहा है GPS एंड ग्लोनेस का। डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस में 5 ATM हमें देखने को मिल रहा है GTS एंड GTR में, तो अब इसको 50 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं, वहीं 30 मीटर तक गहरे पानी में लेके जा सकते हैं ओप्पो को। SPO2 का सपोर्ट Amazfit की दोनों वॉचेस में है, वहीं ओप्पो में मिसिंग है जो कि बहुत बड़ी बात है। वॉच फेसेस की बात करते हैं तो 50 से ज़्यादा आप लगा सकते हैं GTS एंड GTR में, साथ ही कस्टमाइज वॉच फेस हैं तो आप अपने मोबाइल की पिक्चर को भी एज ए वॉच फेस यूज़ कर सकते हैं और ओप्पो में भी मल्टीपल वॉच फेसेस हैं। स्पोर्ट्स मोड 12-12 हमें देखने को मिलते हैं GTS GTR में, वहीं पर ओप्पो का स्पेसिफाई नहीं है लेकिन जितने भी हैं उसमें से 5 जो हैं वॉइस गाइडेंस के साथ हैं। अब अदर फीचर और सेंसर की बात करते हैं तो GTS एंड GTR में आपको बायो ट्रैकर PPG-2 है, जियोमैग्नेटिक सेंसर, एयर प्रेशर मॉनिटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर है, स्ट्रेस मॉनिटर, एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट विद ऑफलाइन सपोर्ट, एबनॉर्मल हार्ट रेट अलर्ट भी है।
वहीं ओप्पो की बात करते हैं, वो भी पीछे नहीं है। 3 एक्सिस एक्सेलरेशन सेंसर है, गायरोस्कोप, जियोमैग्नेटिक सेंसर, बैरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, गूगल प्ले का सपोर्ट है, प्ले स्टोर की आप ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल का वॉइस असिस्टेंस है, ऑटो वॉच फेस इसमें लग जाता है अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस। अब बात करते हैं कौन सी घड़ी किस चीज़ में आगे है। सबसे पहले GTS 2 को कंपेयर करते हैं हम ओप्पो के साथ में। GTS 2 लगभग 2000 रुपये सस्ते रहने वाली है। एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग वाला ग्लास है, लाइट वेट है, लेटेस्ट 5.0 ब्लूटूथ है, 5 ATM है, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर है और ज़्यादा बैटरी बैकअप क्लेम कर रही है। वहीं पर ओप्पो वॉच 41mm में स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील बॉडी है, 1 GB रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर की एप्लीकेशंस। वहीं इसका अगर हम GTR 2 के साथ कंपेयर करते हैं तो GTR 2 लगभग 1500 से 2000 रुपये सस्ती रहने वाली है। एंटी फिंगरप्रिंट कोटिंग लगी है, लाइट वेट है, ब्लूटूथ 5.0 है, ज़्यादा बड़ी बैटरी है और बैकअप क्लेम करती है कंपनी। वहीं पर ओप्पो वॉच 41mm बिगर स्क्रीन है, स्ट्रॉन्ग स्टेनलेस स्टील बॉडी दे रही है, 1 GB रैम, 8 GB इंटरनल मेमोरी, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट एंड यू कैन इंस्टॉल प्ले स्टोर एप्स इन इट। दोस्तों फीचर्स तो आपने देख ही लिए ही हैं दोनों ही वॉचेस के, तीनों ही वॉचेस के इनफैक्ट। तो ओप्पो की अगर बात करते हैं, आपसे पैसे ज्यादा ले रही है, 2 से 2500 रुपए GTR एंड GTS से महंगी है, लेकिन उसके बाद वो वर्थ दे रही है फीचर्स का, और मैं कह सकता हूँ कि वर्थ से ज्यादा ही फीचर है 2500 रुपए अगर आप एक्स्ट्रा खर्च करते हैं। जैसे कि आपको इसके अंदर एंड्रॉइड वियर, गूगल वियर का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल रहा है, जिसकी वजह से आप प्ले स्टोर की ऐप वॉच के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह, और वहीं से डायरेक्ट चला सकते हैं, आपको फोन में भी देखने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा 1 GB की रैम है और GTR ने स्पेसिफाई नहीं किया, आई थिंक 7-7.5 MB उसमें भी होगी, और इंटरनल मेमोरी जो है 4 की जगह 8 GB, क्योंकि आपको इसमें एप्स भी इंस्टॉल करनी है सॉन्ग्स के साथ साथ, तो इसलिए यहाँ पे मेमोरी आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो ये जो 3 फीचर है ये मेन डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं। आप बात करेंगे ब्लूटूथ वर्जन, तो इसका कम है सर, ब्लूटूथ की जरूरत ही नहीं है इसमें, 4.2 अगर दिया भी हुआ है तो उसकी कनेक्टिविटी बुरी नहीं होती है, लेकिन जब आप डायरेक्ट वॉच में सब एप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं तो आपको ब्लूटूथ की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। अब बात ये आती है कि आप कितना उस फीचर को यूज करते हैं। देखिए चीजें हमें बहुत सारी मिल जाती हैं जिसके अंदर, बात यह आती है कि आप यूज कितना करना चाहते हैं उसको। आप क्या उसमें YouTube देखना पसंद करेंगे, WhatsApp के नोटिफिकेशंस को रिप्लाई करना पसंद करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और बाकी आप अगर Amazfit की वॉच की बात करते हैं, बुरी किसी भी एंगल से वो भी वॉच भी नहीं है, आप बारी आपकी प्रेफरेंस की है तो बुरी ये भी नहीं है वॉच Amazfit की। GTS एंड GTR सारे जो करंट फीचर्स इस टाइम मार्केट में चल रहे हैं सारे उसमें मिल रहे हैं, इट्स जस्ट बिकॉज इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वाला नहीं है तो आप ऐप इंस्टॉल नहीं कर सकते। बाकी आप चाहे वॉइस असिस्टेंट ले लीजिए, कॉलिंग ले लीजिए, बिल्ट इन मेमोरी ले लीजिए, सब कुछ इसके मिल रहा है, ऑफलाइन वॉइस असिस्टेंट भी इसके अंदर है। तो आपका अगर बजट कम है, आप अपने 2-2500 रुपए बचाना चाहते हैं, आपका ट्रस्ट भी है अगर Amazfit के ऊपर, तो आप जरूर जा सकते हैं Amazfit GTS एंड GTR पे। क्योंकि अगर हम बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो ओप्पो बैटरी बैकअप में बहुत पिछड़ा हुआ है, उसकी काफी कंप्लेंट्स हैं, फीडबैक अच्छा नहीं है उसका बैटरी के मामले में, लोग कह रहे हैं 2 से 3 दिन से ज्यादा बैटरी बैकअप उन्हें नहीं देखने को मिल रहा है। और उसके अलावा SPO2 भी ओप्पो की वॉच में नहीं है, तो ये 2 डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं अगर आप ओप्पो को नहीं लेना चाहते तो, और चाहते हैं कि आप Amazfit के पास चले जाएं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगा और जानने में जरूर मदद मिली होगी कौन सी वॉच लेनी आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नया रिव्यू, नया कंपैरिजन लेके, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर। बाय बाय।